जिससे इसको रिलीफ मिलेगा। ऐसे खाल उठा के नीडल को पूरा डाल दो। तो भाई कितनी ज़्यादा गांठ बन रही, और उसमें दूध भी आ रहा। तो पहले मुझे क्या, भाई ये जा रहा है अपनी, इसको आज चले भाई इनका एक जब तक एक लग रहा ना कभी। और ऑब्वियसली बात आपको पता चली गया होगा कि इसमें क्या है, और एक कह रहा है। हेलो दोस्तों, कैसा हो सब, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई यहीं से। नीचे हूँ मैं अभी, ऊपर मिस्त्री लग रहे, तो अभी नहीं को ऊपर नहीं, ऊपर ले जा रखा था तो नीचे ले आया भाई सबको। और यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको सारे सारे बच्चे क्या कर रहे हैं। देख लो भाई, यहाँ को सब अस्त व्यस्त पड़ा, इसने देखो दाब के रख रखे बिल्कुल भाई, इतनी हराम है इसको। यह सारा ना बिल्कुल अपनी दादागिरी दिखा रही। और यहाँ पे भाई टोक्यो बेचारी इतनी लाड प्यार से बेचारी इधर को मुँह टेक लें कि बाबा मुझे बाहर निकाल लो, प्लीज़ मुझे बाहर निकाल लो, ऐसे करने लगे। इधर यह सोफी है भाई, इनके बच्चों को मिल्किंग कराऊंगा मैं खुद, क्योंकि सुबह से पिला दिया था। और यहाँ को साफ सफाई करनी, थोड़ा सा उन्होंने खाना भी छोड़ रखा भाई। उससे मैं ना फीड खत्म हो गया था, तो मैं सोच रहा एग्स सबको एग्स डालना शुरू कर दूँ, अंडे थोड़े प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि फीड भाई आजकल फिर से भी नखरे करने लग गए, ठीक है। और इस छोटे शिकार के लिए भाई रॉयल कैनिन भेज दिया है, अभी इतना ही खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। चुप हो जा तू बच्ची, बिल्कुल चुप हो जा। और भाई एक चीज़ और दिखाऊँ, मैंने जो ये था इस पर पेंट वगैरह हो गया था वो भाई ने कर दिया था, और आप देख लो मैं इसके अंदर दवाई लगा दी अभी। ये देखो भाई इस तरीके से मैंने इसमें दवाई लगा दी। ये बताओ अरेंजमेंट कैसा लगा आपको, ये सब कुछ जो भी थे जो भी था। अभी फ़िलहाल इतनी दवाई है, क्योंकि बहुत सारी दवाई भाई ख़त्म हो रही थी तो ये सारी की सारी मैंने फेंक दी। तो अभी इतनी दवाई है, कुछ बॉक्स में इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें भी है भाई, और कुछ ये है। तो अभी क्या करूँगा बताओ, इसको मैं इसको सबसे आसान जो एक क्लिप लगवा रखे ना यहाँ टंगवा दूँगा भाई, तो उससे क्या होगा, इसमें गर्दा दवाई वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही ऐसा मिलेगा जैसा था। क्या बढ़िया था गुरु, सब कुछ ऐसा मिलेगा भाई। तो बस अभी इसका रॉयल कैनिन थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा वो हो जाए ना, नरम हो जाएगा, तब इसको रख दूंगा। तो भाई मिलते हैं, चलो थोड़ी देर में इनको खाना वाना साफ सफाई करने के बाद मिलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई मैं भी रेडी हो गया जाने के लिए, सामने जाना। उससे पहले एक दो चीज़ और दिखा दूंगा आपको, और आज यहीं है भाई नीचे, कहीं मैंने कराई नहीं, पप्पी इसको दूध पिला ही दिया, आपको एक बार दिखा देता हूँ अभी। ये देखो भाई कैसे घूमते रहे, बिल्कुल मस्त यहीं पड़े अपना आराम से सो रहे। और यहाँ पे भाई ये सो रहे जर्मन शेफर्ड, और सारा इसका नाम रॉकेट रख दो रॉकेट। और ये भाई नूरी सोफी सब कुछ यही है। तो अभी आज ये ऊपर नहीं जा सकते, आज इनके लिए प्रॉब्लम है। तो चलिए भाई मिलते हैं आगे जाके। तो दोस्तों अभी घर जा रहा हूँ मैं, और शॉप तो क्लोज कर दी, और मेरे पास मतलब काम आ गया था भाई, वो मैं आपको बताऊँगा सारा का सारा। अभी यहाँ पे देखो इसमें ये पेटी आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है भाई, इसमें मैं नहीं दिखाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, आपको वहीं जाके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, 10 मिनट में मिलता हूँ भाई आपसे, और वहीं जाके बताऊंगा कि इसमें क्या है, क्या इसमें अंदर क्या है, ठीक है। तो वहीं जाके दिखाऊंगा आपको, अच्छे से दिखा दूंगा पेटी कैसी है। ये देख लो भाई पेटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और ऑब्वियसली बात आपको पता चली गया होगा कि इसमें क्या है। और एक कैरल है भाई, उसमें वहीं से था ये पप्पी, थोड़ा सा वीक हालत में, बहुत ज़्यादा वीक हालत में, मैं आपको दिखा दूंगा। और इसमें वही है भाई, ठीक है। तो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे मैं पहुँचता हूँ वहाँ आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं रह रहा भाई मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का रास्ता रह रहा। तो भाई देख लो, यू है वो पप्पी जो पिटबुल का है भाई, ठीक है। ये पिटबुल का है, ब्लैक कलर में सेल के लिए अवेलेबल है भाई, लो क्वालिटी है और लो प्राइस में है, ठीक है। और घर में ले जा रहा है, इसको दे देता हूँ लड़के को, ये ले जाएगा भाई। ये कैनल है यहाँ देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ डॉग्स सारे के सारे बाहर है, तो मैं अंदर नहीं जाना चाहता भाई, कभी मुझे पैसा ले लो काट ले। तो ये ले जाएगा भाई, ले जाओ खाना, लो निकाल लो, एक ही है, ले जाओ गे रही ना, कहाँ ले जाएगा, घर ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ले जाओ पॉट बंद कर लो, ठीक है। चलो भाई हम लोग अभी घर चल रहा है भाई, और घर जाके मिलता हूँ भाई। एक प्रॉब्लम और होगी, इसको जारा को पता नहीं क्या हो गया, जारा की थोड़ी सी वो हो गया भाई, इसके जो उसके वो था ना निप्पल से, वहाँ से दूध आ रहा था, तो शैडो प्रेगनेंसी दिखाई थी उसने भाई, लेकिन अब वहाँ गांठ बन गई। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या इलाज है, वैसे तो उपचार लाया भाई मैं डॉक्टर से पूछ के क्या डालना क्या देना, क्योंकि आज मैं देखूँगा, अगर नहीं आराम लगा फिर डॉक्टर को दिखाऊँगा।
जितनी मुझे नॉलेज है भाई वो मैं खुद करूँगा और आपको बता दूँगा, ऐसी वो बात नहीं है। तो सीधा घर जाके मिलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई घर आ गया था मैं और एक बार प्रॉब्लम दिखा दूँ। हटो भाई, ये जा रहा है अपनी, इसको आज चले भाई, इनका जब तक एक लग रहा है ना तब तक कोई ऐसा मानता नहीं। जा रहा लोटी बेटा एक बार। तो भाई इसको देखो, ये प्रॉब्लम हो रही है गांठ बहुत ठंडी, और डॉक्टर चले। तो भाई मुझे तो पता नहीं ये गांठ कैसे बनी, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा गांठ बन रही, और उसमें दूध भी आ रहा। तो पहले मुझे क्या करना होगा इस गांठ को ना, ओ चुप हो जा तू बच्चा, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा चल। तो मुझे पहले भाई जितना भी ये है ना इसको बीच के से निकालना पड़ेगा, और फिर जो इंजेक्शन लगा हुआ दिखाई भाई, फिर देखेंगे भाई क्या होता है भाई इसमें, ठीक है। आप भी देख रहे होंगे भाई क्या प्रॉब्लम आ रही इस बच्ची को, क्या हो गया लाडली को बेटा। कोई नहीं, इसको दर्द हो रहा भाई, पेन है इसको यहाँ पे, मौत भी है बच्चे। तो भाई इंजेक्शन लगा दो उसको जो डॉक्टर ने बताए थे, जिससे इसको रिलीफ मिलेगा। ऐसे खाल उठा के नीडल को पूरा डाल दो और उसे इस तरीके से इंजेक्शन लगता है भाई, ठीक है। एक इंजेक्शन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा इंजेक्शन देखेंगे सुबह तक कितना आराम मिलता है भाई इसको, उसके बाद फिर देखेंगे। रोकेस्ट ओके जा रहा, पूरी नीडल दी और इसको लगा दिया। पहले हमने इसमें से मिल्किंग जो भी था ना पहले वो निकाला, कल सुबह फिर करेंगे भाई, जिससे सारा का सारा ही निकल जाए, ठीक है। शैडो प्रेगनेंसी में हो जाता है मिल्क वगैरह जम जा, तो फिर अगर ध्यान ना दे तो उसमें मौत बन जाती है। चलो बच्ची भाग जा। एक भाई नूरी पता नहीं यहाँ क्यों बैठी, सक क्या गर्मी लगा, यहाँ यहीं बैठी रहे, यहाँ से हलती नहीं। नूरी क्या है बच्चे हैं, यहाँ क्यों बैठी रहे तू? अरे भाई सबसे ज़्यादा ड्राउन जो रोटी आया, दिखाऊँ मेरे को माल की बात है, अगर मैं अलग से निकलूँ ना, ये देखो बस हवा निकल गई इसको ना बहुत ज़ोर से, उसमें भाई दर्द के ड्रामे हैं, बिल्कुल दर्द के ड्रामे। तो भाई इन सबको पैक कर दूँ मैं, नहीं रोत बिल्कुल एक नंबर के रोत रहे हैं सारे सारे, और सारा आजकल बहुत आराम हो रही है। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक प्यार सा कमेंट डाल देना और लाइक भी कर देना, और देखेंगे भाई सुबह के टाइम पे जा रहा पे आराम है नहीं है, इंजेक्शन लगाए थोड़ी सी निकाली भी आपने देखा था जो भी उसके अंदर दूध जो इकट्ठा हुआ था, तो अब सुबह उठ के देखेंगे और तभी पता चलेगा कि भाई आराम है नहीं है, फिर सुबह फिर वही इंजेक्शन लगाने, तब जाके शाम तक वेट करना, तब जाके पता चलेगा अगर आराम हुआ तो ठीक है भाई, अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करा जाएगा, मतलब वहीं पर लेकर जाना पड़ेगा उसको। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ऐसे देख के मत जाया करो, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।